हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये जो नोटिस है आपके सामने, ये आपका नोटिस माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और दिनांक 2/3/2023 को रिलीज़ किया गया है। और इस नोटिस में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ी, तो देखिएगा यहाँ पर सम सेमेस्टर, ठीक है। जो सम सेमेस्टर है, जैसे आपका जैसे बीए है, बीए में सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और उसके बाद है आपका सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। ये आपके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो दो चार और छठा, ठीक है, दूसरा चौथा और छठा जो सेमेस्टर है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग सम सेमेस्टर, ठीक है। दो चार छः, सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स जो आपका सेमेस्टर है, ये आपका इवन सेमेस्टर है, ठीक है। इवन मींस सम सेमेस्टर है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इसमें लिखा कि इसकी जो परीक्षाएं हैं, यानी कि जो सेमेस्टर ये बताए गए हैं, दूसरा चौथा और छठा, ठीक है, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स, इसकी जो परीक्षाएं हैं वो बहुविकल्पीय परीक्षा पद्धति मींस MCQ बेस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर कराए जाने के संबंध में। तो ये जो नोटिस है, इस नोटिस का आप लोग विषय समझ ही गए होंगे कि अगर आप बीए बीकॉम बीएससी में हैं और आप या तो सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आगे से जो आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, अभी जो 2023 में मई में जो एग्ज़ाम होने हैं आपके, वो MCQ बेस होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी आप मॉडल पेपर मत परचेस करिएगा, अभी मार्केट के अंदर 10-5 दिन के अंदर नए मॉडल पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो जो नए मॉडल पेपर आएंगे वो आपके MCQ बेस आएंगे, तो आप लोग अभी देखिएगा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप अपने क्लास टीचर से अपने कॉलेज में पता करिएगा, ठीक है, लगातार आप कॉन्टैक्ट में रहिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और नोटिस को डिस्कस करते हैं कि क्या नोटिस है, ठीक है। इस नोटिस के अंदर हम लोग डिटेल देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, कृपया विद्यालय के, इनका एक पत्रांक संख्या है, तो दिनांक 1 को इन्होंने इससे पहले भी निकाला था ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मेन पर्पज़ है वो देखिएगा। इन्होंने बताया कि जो अपना एकेडमिक ईयर 2022-23, ठीक है, 2022-23 से, ठीक है, क्या हुआ है, विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ कैसी होंगी, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मींस कि आपको गोले दे के रखेगा और आपको टिक करना है जो भी आपका आंसर राइट होगा। जैसे पहले बीकॉम बीए बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षाएं MCQ बेस हुआ करती थी, अब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में और सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में और थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में उसी पैटर्न पर परीक्षाएं होंगी जैसे पहले MCQ बेस फाइनल में हुआ करती थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल नोटिस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद क्या बताया उन्होंने कि मद संख्या 3 है, वो इनकी अपनी कुछ जो है फॉर्मेलिटी है, कुछ ये अपना ऑफिशियल लेटर देखते हैं। बस आप ये समझिएगा कि आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, सम सेमेस्टर की, सम सेमेस्टर इवन सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर होंगी, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।